तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना महामारी से कर दी है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें इसे खत्म करना है। इसी तरह हमें सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान चेन्नई के थेनपट में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स और आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया है। वहां उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद से इस विवाद पर घमासान शुरू हो गया। पक्ष और विपक्ष की तरफ से इस बयान पर कई प्रतिक्रिया सामने आई है। एक एक प्रतिक्रिया आपको बताते हैं। उदयनिधि स्टालिन के इस बयान की आलोचना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वोट बैंक किया और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। तो वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उदयनिधि स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि डेंगू और मलेरिया की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। उन्हें ऐसे बयान देने में कोई झिझक नहीं है। क्या उदयनिधि का बयान इंडिया गठबंधन की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जहां एक तरफ हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में लगे हैं, वही ये घमंडिया गठबंधन हमारी संस्कृति, धर्म और संस्कारों पर गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। वही इस बयान पर कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। बीजेपी के विरोध के बीच कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने उदयनिधि के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि एक जाति प्रभुत्व समाज का कोड है। जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, वह पुराने दिनों को वापस चाहते हैं। जाति भारत के लिए श्राप है। तमिलनाडु के आम बोलचाल में सनातन धर्म का मतलब है जाति प्रधान समाज, जिसमें एक जाति का दूसरे के ऊपर प्रभुत्व है। ऐसा क्यों है कि जो लोग सनातन धर्म का समर्थन कर रहे हैं, वो खास वर्ग से आते हैं, जो इस प्रभुत्व का लाभ उठाने वाले हैं। किसी के खिलाफ नरसंहार की बात नहीं कही गई है, इसे गलत तरीकों से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वही बाद में जब इस विवाद ने तूल पकड़ लिया, तो उदयनिधि ने अपने इस बयान पर सफाई दी है। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि भाजपा के दावे के मुताबिक उन्होंने अपने बयान में कहीं भी नरसंहार का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने सनातन धर्म की आलोचना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देकर कहा कि जैसे पीएम मोदी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कांग्रेस की हत्या करने के लिए कह रहे हैं। उदयनिधि ने कहा कि उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बचकानी बातें करते हुए कह रहे हैं कि मैंने लोगों को नरसंहार के लिए उकसाया है। वही हिंदू सेना ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि बयान से सनातन धर्म का अपमान हुआ है। पत्र में उनके खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की मांग की गई है। नमस्कार।